नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिनभर। मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की। राजस्थान विधानसभा में आयोजित स्कूली छात्रों की युवा संसद बैठक में गौरी मंगल ने शिक्षा मंत्री दिशा अग्रवाल से इंग्लिश, कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई को लेकर सवाल किया तो दिशा अग्रवाल ने जवाब में कहा, सरकार लगातार सुधार कर रही है, शिक्षा सामग्री लाइब्रेरी में उपलब्ध कराई जाएगी, टीचर्स भी बच्चों को विज्ञान के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अग्निवीरों को सरकारी भर्तियों में आरक्षण देने का ऐलान किया है। करगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमारी सरकार ने भारतीय सेना में अपनी सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को पुलिस विभाग, जेल प्रहारी और वनरक्षक के रूप में आरक्षण देने का निर्णय लिया है। राजस्थान में सरकार ने गायों को लेकर बड़ा फैसला लिया है या गायों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द पर रोक लगाने का फैसला लिया है। अब राजस्थान में आप किसी भी गाय के लिए आवारा और बेसहारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसकी जगह सरकार ने अब एक नए शब्द को इस्तेमाल करने की बात की है, बेसहारा और आवारा जैसे शब्द की जगह गायों के लिए निराश्रित शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। टोकी निवाई के ग्राम पंचायत करेड़ा बुजुर्ग गाँव के मुख्य बाजार की सड़क पर इस समय पानी लबालब भरा है। बारिश में विद्यालय में जाने वाले छात्रों को बहुत परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हो रही है। विद्यार्थियों को बारिश के पानी से होकर निकलना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ जिले में बढ़ते नशे की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने नवाचार किया है, जिसके तहत आज जिले के विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा नशा मुक्ति को लेकर निबंध लिखे गए। जिला कलेक्टर कानाराम के निर्देश पर जिले के प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को निबंध लिखे जाएंगे, जिसमें विद्यार्थी नशा मुक्ति से बचाव का संदेश देंगे और निबंध लिखने के बाद में विद्यालय में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों का नाम ब्लॉक स्तर और फिर जिला स्तर पर भेजा जाएगा। इसके तहत आज जिला भर में सैकड़ों विद्यार्थियों ने निबंध लिखे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से शुक्रवार को नीट यूजी 2024 का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी कर दिया गया। इसके परिणाम में कोटा कोचिंग से जुड़े 6 स्टूडेंट पहली रैंक पर रहे। हालांकि यह संख्या सबसे पहले जारी किए रिजल्ट में 26 थी। सभी स्टूडेंट एलएन कोचिंग के हैं। देश भर में बढ़ रहे साइबर क्राइम की घटनाओं के बीच सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया। सीबीआई ने एफबीआई और इंटरपोल के इनपुट पर काम करते हुए गुड़गांव और अन्य जगहों से साइबर फ्रॉड करने के आरोप में 43 लोगों को पकड़ा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक से वॉकआउट करने को लेकर बोली, मैं बोल रही थी, मेरा माइक बंद कर दिया गया, मैंने कहा कि आपने मुझे क्यों रोका, आप भेदभाव कर रहे हैं, मैं बैठक में भाग ले रही हूं, आपको खुश होना चाहिए, इसके बजाय आप अपनी पार्टी और अपनी सरकार को अधिक गुंजाइश दे रहे हैं, विपक्ष से केवल मैं ही हूँ और आप मुझे बोलने से रोक रहे हैं, ये न केवल बंगाल का अपमान है बल्कि सभी क्षेत्रीय दलों का भी अपमान है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के आरोपों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सीएम ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया, हम सभी ने उन्हें सुना, प्रत्येक सीएम को आवंटित समय दिया गया था और उसे स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया था जो हर टेबल के सामने मौजूद थी। उन्होंने मीडिया में कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था, ये पूरी तरह से झूठ है, प्रत्येक मुख्यमंत्री को बोलने के लिए उचित समय दिया गया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनका माइक बंद कर दिया गया था, जो सच नहीं है। उन्हें सच बोलना चाहिए था बजाय फिर से झूठ पर आधारित एक कहानी का निर्माण करना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा। बता दें, झारखंड हाई कोर्ट ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत की सुविधा प्रदान की। ईडी ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सीएम हेमंत सोरेन की जमानत रद्द की जाने की मांग की है। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू हूं। शुक्रिया।